आसिम रियाज ने खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 में काफ़ी धमाकेदार एंट्री ली ले। लेकिन जब रोहित शेट्टी ने इनसे पूछा कि बिग बॉस शो करने के बाद चार साल का गैप क्यों लिया तुमने आसिम कोई दूसरा रियलिटी शो करने के लिए तो इस सवाल के जवाब में आसिम रियाज ने बहुत ज़्यादा और बहुत फजूल बोलकर कंटेस्टेंट से अपना काफ़ी मजाक बनवाया और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई ख़तरों के खिलाड़ी सेकंड एपिसोड में आसिम और अभिषेक की आपस में काफ़ी बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक जा पहुंची और इन सब इंसिडेंट्स के बाद जैसा कि आपने देखा कि आसिम सीधा सीधा शो के होस्ट रोहित शेट्टी से झगड़ पड़े और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि रोहित शेट्टी ने आसिम से कहा कि तुमने कल भी बहुत बकवास की और अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा और जब इन दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मेकर्स को बीच में आना पड़ा वेल दोस्तों अब हमारा तो यही ख्याल है कि इतने झगड़े के बाद रोहित शेट्टी और मेकर्स आसिम रियाज को शो में रहने नहीं देंगे और आसिम भी जिस कदर गुस्से के तेज हैं वो खुद भी ये शो छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आपका इस सब के बारे में क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ख़तरों के खिलाड़ी सीजन 14 के मुताबिक और नई अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें